हेलो फ्रेंड्स, हितेश शर्मा हियर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आज हम आए हैं लुधियाना में मोंगा टायर पे अपनी एक्सयूवी 300 के अलॉय व्हील रिप्लेस करवाने के लिए, क्योंकि मुझे ये अलॉय व्हील अभी थोड़ा सा अच्छे नहीं लग रहे हैं। पहले फर्स्ट टाइम जब डलवाए थे तब ऐसे लग रहा था कि बहुत बढ़िया, बट मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं चाहता हूँ ये टॉप मॉडल के हैं XUV 300 के, उनको मतलब इसकी जगह पे रिप्लेस किया जाए। तो आज यहीं पे आया हूँ इनसे मिलने के लिए, ताकि ये इनकी जो इनसे ही लगवाए थे अलॉय व्हील, ये चेक कर लें और इसकी कंडीशन देख लें और इसके बदले रिप्लेस कर लें। एक बार अलॉय व्हील लग जाए फिर आप बताना ये आपको कैसे लग रहे हैं। मुझे तो अच्छे ही लग रहे हैं, क्योंकि टॉप मॉडल के तो अच्छे ही होते हैं कंपनी की तरफ से जो होते हैं, क्योंकि कंपनी ने R&D पे इतना पैसा खर्च किया होता है तो ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। तो ये आप जरूर बताना कि आपको ये अलॉय कैसे लगे, पहले वाले अच्छे थे या ये वाले अच्छे हैं। प्लाटी के ये अलॉय व्हील्स बहुत अच्छे हैं, बट चेंज करवाने की वजह ये है कि जो ये इस अलॉय व्हील्स के जो ये व्हील स्पोक्स हैं ना, ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अगर आप इनको देखो ध्यान से नज़दीक आके, तो इसको देखोगे कि ये अलॉय व्हील से बाहर हैं, और इससे क्या हो सकता है कि जब गाड़ी तेज़ स्पीड में चलेगी कोई पत्थर लग के अलॉय व्हील को डैमेज कर सकता है। टायर साइज़ ज़रूर अपग्रेड कराया, पर कहीं ना कहीं मुझे डर है कि ये कहीं अलॉय व्हील्स डैमेज ना हो जाएं, उससे सारी शो खराब हो जाएगी, फिर नया अलॉय व्हील्स डलवाने पड़ेंगे। तो सोचा कि अभी क्यों ना चेंज करवाया जाए। अप्रॉक्सीमेट 1 month पहले मैंने अपनी महिंद्रा XUV 300W6 मॉडल में प्लाटी के अलॉय व्हील यहीं से डलवाए थे। तब मैंने अपनी इस कार में इसका टायर साइज भी अपग्रेड करवा लिया था, मतलब 215/60 R17 का टायर डलवाया था, जो कि क्रेटा के टॉप मॉडल में आता है। तो उससे ये बेनिफिट हुआ कि इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस है थोड़ा सा बढ़ गया और परफॉर्मेंस भी बढ़ गई है। बाकी माइलेज पे इसका कोई असर नहीं हुआ है, माइलेज वैसी है जैसे पहले आती थी। हमारे सामने दोनों अलॉय व्हील्स आ गए हैं जो कि XUV के टॉप मॉडल में लगते हैं, और मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे लगे और यही लगवाने हैं अपनी कार में। रीज़न क्या है कि ये जो अलॉय व्हील्स हैं अच्छे ये भी हैं नो डाउट, बट इसको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, साफ़ सफाई ज़्यादा करनी होगी, और इसमें कुछ भी नहीं, पानी मारो वॉश करो साफ। ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ,
कल रात को अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको प्रॉपर क्लियर जो इसकी इमेज थी दिखा नहीं पाया, और आपको ये नहीं बता पाया कि ये अब दिखने में कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अब इसकी प्रोफाइल पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई है और अब कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। XUV300 के जितने भी ओनर्स हैं उनको ये दिक्कत रहती है कि अगर हम रफ रोड पे इसको चलाएंगे तो कहीं कोई अलॉय में डैमेज ना आ जाए, गड्ढे वगैरह में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इस वजह से मैंने इसका प्रोफाइल साइज ही चेंज कर दिया है, 60 कर दिया है। पहले 55 होता है तो मैंने इसको 60 कर दिया है। तो अभी आपको मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ और बताना आप ये आपको कैसे लग रहे हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइस, बाय बाय।